तो देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर खूब बवाल मचा और इसी बीच खूब समझाने की कोशिश की गई। इस बीच उत्तर प्रदेश के बांदा के डीआईजी की ओर से भी समझाने की कोशिश की गई। डीआईजी दीपक कुमार पहुंचे बांदा और फिर मुस्लिम समाज के लोगों को समझाने की कोशिश करने लगे। इस बिल से किसी का कोई मतलब नहीं, किसी भी आदमी को, किसी भी भाई को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। आपको कोई एसएमएस से पूछना हो, व्हाट्सएप से कोई क्वेश्चन पूछना हो, मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 9454400205 9454400205। आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं, कहीं भी आपको कोई ऐसी चीज लगे कि जो लगे कि मैं आपसे गलत बोला हूँ फैक्चुअल और आपको कहीं और दिखे आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि जो मैंने आपसे कहा मैं फैक्ट के साथ बोला। डीआईजी साहब की ओर से पाठशाला लगाई गई कि लोगों को समझाया जाए, उपद्रव ना करें, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद भी ना थी। 11% हिंदुओं को तो नागरिकता दी जा रही है पर 9% मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जा रही है। सर ने अभी बताया क्षेत्र अधिकारी जी ने कि 20% शरणार्थी आए थे, बोलो ना। उनमें से 11% हिंदुओं को नागरिकता दी जा रही है और मुस्लिमों को नागरिकता नहीं दी जा रही है। इसीलिए मैं तुम सुन मेरी बात नहीं समझ, मैं इसीलिए तुमको ले गया 1947 में, ठीक है। नागरिकता जो दी जा रही है, क्या नाम हुआ तुम्हारा? मोहम्मद नादिर। नादिर, बैठो, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। नागरिकता जो ये दी जा रही है, ये एक्ट जो है, लो ये पहले कागज समझा दो, बैठो बैठो बैठे रहो। 1955 का ये सिटीजनशिप एक्ट है। कोई भी आदमी हिंदुस्तान का सिटीजन बनना चाहेगा उसको सिटीजन का जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से देगा, उसको नागरिकता मिलेगी। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को बताया कि एनआरसी सिर्फ असम में लागू है और सीएए का भारतीय नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। जो इस देश में पैदा हुआ है वो हमेशा यहां का नागरिक ही रहेगा। क्योंकि इस बिल को और ये जो एक्ट बना कानून और एनआरसी को लोगों के द्वारा मिला दिया जा रहा है, एनआरसी को भी गलत तरीके से समझाया जा रहा है। एनआरसी असम में कैसे आया उसके बारे में लोग नहीं जानते हैं और लोगों के मन में एक अदृश्य भय डाल दिया गया है कि आप लोगों को, जो भी लोग यहाँ जन्म लिए, जो लोग कई पीढ़ियों से हैं, जिनका यह देश है, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, कुर्बानी हिंदू मुस्लिम सभी ने दी, ईसाइयों ने दी, पारसियों ने दी, लेकिन लोगों के मन में एक अदृश्य भय फैलाया जा रहा है कि अब आप यहाँ के नागरिक नहीं रहेंगे, इसका प्रमाण पत्र देना होगा, जो पूरी तरह से झूठ। इसी के साथ उन्होंने समझाया कि आखिर इस देश में मुस्लिमों ने कितना कुछ किया है, कितनी भागीदारी निभाई है, देश को कितना आगे बढ़ाया है। तो इस देश में कभी धर्म के आधार पर ऐसा नहीं, मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, मेरी सर्विस में 2005 में मेरे बैच में जितने अल्पसंख्यक होंगे उतना 2018 में भी, ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विस में लड़के आने बंद हो। जो इंजीनियर पहले लड़के मुसलमान हो रहे थे आज भी हैं। आज ही प्रेम जी मुस्लिम है लेकिन कोई थोड़ी उनको एक मुस्लिम रूप में जानता है, वो एक राष्ट्रभक्त थे, उन्होंने विप्रो जैसी बड़ी कंपनी बनाई, उस कंपनी ने लाखों लोगों को रोजगार दिया, उस लाखों लोगों के रोजगार में सभी धर्म के लोग। इसी के साथ उन्होंने समझाया कि एनआरसी अलग है और सीएए अलग। सीएए को लेकर परेशान न हो, भ्रम में न आए, अफवाहों पर ध्यान न दें और देश में माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखने में सहयोग करें।